नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बेकाबू कोरोना। पिछले 24 घंटे में 30 संक्रमित की हुई मौत। 6 दिन में 193 मरीजों ने तोड़ा दम। 23,000 के पार हुआ एक्टिव केस की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 3838 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, वहीं 30 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम से 6, रांची से 5, बोकारो से 4, पश्चिम सिंहभूम, रामगढ़, साहिबगंज और खूंटी से 2-2, जबकि धनबाद, दुमका, गोड्डा, गढ़वा, कोडरमा, पलामू और लातेहार से 1-1 मरीज शामिल हैं। पिछले 6 दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना से 193 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जो है एक्टिव मरीजों की संख्या 23,045 हो गई है। इसमें से केवल रांची से 9,400 मरीज शामिल हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 136, चतरा में 38, देवघर में 103, धनबाद से 180, दुमका से 51, पूर्वी सिंहभूम में 521, गढ़वा से 91, गिरिडीह से 54, गोड्डा से 56, गुमला से 99, हजारीबाग से 160, जामताड़ा से 21, खुट्टी से 127, कोडरमा से 193, लातेहार से 76, लोहरदगा से 74, पाकुड़ से 16, पलामू से 54, रामगढ़ से 121, रांची से 1410, साहिबगंज से 65, सिमडेगा से 73 और पश्चिम सिंहभूम से 119 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस तरह लगा लॉकडाउन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लॉकडाउन की पाबंदी लागू कर दी है। जनता के नाम जारी संदेश में सीएम ने कहा है कि सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों संग बैठक करने के बाद राज्य के लोगों के नाम संदेश जारी किया है। सीएम ने ट्वीट कर जारी संदेश में कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आगे और कदम उठाए जाएंगे। लोगों को जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जा सके, इसके लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि कोरोना के इस विकट घड़ी में आप सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनटीए की 27 से होने वाली परीक्षा स्थगित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 27, 28 व 30 अप्रैल को होने वाली जेई मेंस की परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। एनटीए ने नोटिस जारी कर कहा है कि कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए फिलहाल परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कहा कि परीक्षा की नई तिथि बाद में जारी की जाएगी। नई तिथि जारी होने पर छात्रों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। गौरतलब है कि रांची से करीब 12,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। एनटीए परीक्षार्थियों से कहा गया है इस समय का सदुपयोग करते हुए वे परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के उत्पादन के लिए देश की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। देश में एक तरफ संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि पूरी क्षमता के साथ वैक्सीन के प्रोडक्शन पर फोकस करें। वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करें और इसके लिए जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के उत्पादन क्षमता का भी इस्तेमाल करें और तेजी लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर हो रही बातचीत में अधिकारियों को यह आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में हादसा। चोपादारू घाटी में कार पर चढ़ा ट्रक, दो लोगों की दबने से हुई मौत। बोकारो से लौटते वक्त हुआ हादसा। गोला थाना क्षेत्र स्थित चोपादारू घाटी में शनिवार की रात करीब 9:30 बजे बेलोनो कार पर ट्रक चढ़ गया। इसमें कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बोकारो से रांची लौट रहे थे। इसी बीच ये हादसा हुआ है। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव को कार से बाहर निकाला और जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मृतक की पहचान रांची निवासी शिव कुमार राय 35 वर्षीय और भास्कर कुमार झा 45 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों किसी काम से बोकारो आए हुए थे और रात में वापस लौट रहे थे। जैसे ही कार जो चोपादारू घाटी पहुंची, तीखा मोड़ और ढलान की वजह से सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई और ट्रक कार के ऊपर चढ़ गया और दोनों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सर्वदलीय बैठक। हर जिले में 50 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड बनाएंगे। 25 दिन में स्थिति नियंत्रण में लाने का लक्ष्य सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले 25 दिनों के भीतर राज्य के जो है व्यवस्थाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाकर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले में 50 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और प्रतिमंडल स्तर पर 100 जो है सपोर्ट बेड की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को तत्काल राजधानी आने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा राज्य के हर आंगनबाड़ी केंद्र में एक किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से हल्की बीमारी के लिए लोगों को दवाइयां मिल सके। किट में जो है दवाइयों के अलावा थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर उपलब्ध रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार देखकर सहमे रांची के लोग। राजधानी में कारोबारी करने लगे हैं सेल्फ लॉकडाउन।
राजधानी में कोरोना संक्रमण की भयावहता देखकर हर कोई सहम गया है। दो दिन से राजधानी की सड़कों पर भी कोरोना का खौफ देखा जा सकता है। ऐसे में सरकार भी अपने हिसाब से जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन राजधानी के व्यवसायियों ने पहले ही सेल्फ लॉकडाउन का निर्णय लेना शुरू कर दिया है। व्यवसायी खुद को सुरक्षित रखना ही मुनासिब समझ रहे हैं। कई कारोबारी सेल्फ लॉकडाउन का निर्णय ले चुके हैं। कई जगह दुकान बंद रखी जा रही है, तो शास्त्री मार्केट में सोमवार से व्यवसायी सेल्फ लॉकडाउन करेंगे। शास्त्री मार्केट के दुकानदार 15 अप्रैल को ही सेल्फ लॉकडाउन को लेकर बैठक कर चुके हैं। इसमें जो कोरोना की भयावहता स्थिति को देखते हुए 19 अप्रैल से मार्केट को बंद रखने का निर्णय लिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IMA की मांग, पूरे राज्य में 2 सप्ताह के लिए लगाए लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए IMA ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे राज्य में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि यदि राज्य में लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है तो कम से कम उन जिलों में लॉकडाउन लगाएं जहां संक्रमित अधिक निकल रहे हैं। पत्र में मुख्यमंत्री से कहा गया है कि इस बार जो पूरे देश में हालत बन रहे हैं वह भयावह है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची विमेंस कॉलेज UG और PG सेमेस्टर परीक्षा स्थगित। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रांची विमेंस कॉलेज प्रबंधक ने UG की सेमेस्टर 6 की परीक्षा और PG सेमेस्टर 4 तथा BEd सेमेस्टर 4 की परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। कॉलेज के प्राचार्य जो है डॉक्टर शमसून नेहरा ने बताया कि ऐसे हालत में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं था। UG सेमेस्टर जो है साउथ की परीक्षा 5 मई से होने वाली थी, जबकि PG सेमेस्टर 4 और BEd सेमेस्टर 4 परीक्षा 19 मई से होने वाली थी। प्राचार्य ने कहा कि 1 जून को कॉलेज में मीटिंग बुलाकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद परीक्षा आयोजित करने की जो है नई तिथि जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सबसे तेज फैल रहा है कोरोना, बस 3 राज्य ही आगे। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे तेज रफ्तार से फैल रहा है। हम आपको यह डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए बता रहे हैं। एक सप्ताह 9 से जो है 16 अप्रैल के आंकड़ों का विश्लेषण में यह सामने आया है कि झारखंड में कोरोना के मामले जहां पिछले सप्ताह प्रतिदिन औसत 1% की दर से बढ़ रहे थे, वही अब मामले इससे दोगुनी अर्थात 2% की दर से बढ़ रहे हैं। अब जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ 3%, उत्तर प्रदेश 2.6% तथा मध्य प्रदेश 2.3% में ही यह दर झारखंड से अधिक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड गाइडलाइन का अनुपालन के लिए बाइक दस्ता का गठन। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा निर्धारित कोविड गाइडलाइन का अनुपालन के लिए बाइक दस्ता गठन किया गया है। दस्ता में 10 अलग अलग टीम शामिल है। इनकी जो है रोजाना ड्यूटी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होगी। प्रत्येक टीम का नेतृत्व तो सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारी करेंगे। प्रत्येक टीम को जो है राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्र में जो अलग अलग इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह टीम किसी दुकान या किसी भी स्थान पर अत्यधिक जो है भीड़ नहीं लगने देगी। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करने के लिए जो है टीम अभियान चलाएगी और जो है नियम का पालन नहीं करने वालों पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीड़ नहीं लगाएंगे। रमजान में भी मस्जिदों में एक साथ ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे नमाज, गले भी नहीं मिलेंगे। 15 वर्ष से छोटे बच्चे पर रोक। कोरोना महामारी से बचाने के लिए धनबाद के जो है जोरापोखरा थाना परिषद में जो है शनिवार को 15 मस्जिद कमेटी की बैठक हुई और बैठक में जो है रमजान के पवित्र माह के मौके पर नमाज और जो है तारीफ और कोरोना से हुई मौत के बाद मिट्टी जो है मंजिला किस प्रकार की जाए उस पर चर्चा की गई है। तय हुआ है कि नमाज पढ़ने मस्जिदों में कम से कम संख्या में लोग जाएंगे। 15 वर्ष से कम उम्र वालों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मास्क लगाकर ही मस्जिद जाएंगे। उपस्थित होने से पूर्व मस्जिद को सैनिटाइज करना होगा तथा निकलने के बाद भी जो है सैनिटाइज करना होगा। भीड़ में जो है तारीफ नहीं पढ़नी है और किसी प्रकार का समारोह नहीं करना है। किसी से गले नहीं मिलना है, हाथ भी नहीं मिलाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री को CM का पत्र, कोरोना से जंग में सैन्य अस्पतालों के डॉक्टर कर्मी भी शामिल हो। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों और ट्रेड पारामेडिकल कर्मियों के बल पर हालत से लड़ रही है। राज्य में स्थिति सैन्य अस्पतालों के डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ भी इस जंग में शामिल हो, इसकी अनुमति केंद्र सरकार दे। उग्रवाद प्रभावित जिलों में केंद्रीय पारा जो है मिलिट्री फोर्स की सेवा में लगे रांची और रामगढ़ के 2 सैन्य अस्पतालों के चिकित्सक और पारामेडिकल कर्मियों की सेवा लेने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय को निर्देश जारी किया जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।